म्यूजिक एल्बम करा अपना, म्यूजिक एल्बम किया तो वो इंडिया से रिलीज होना था वो, क्योंकि गेम चेंजर है। जब से वो आई है यानी कि उसके बाद ये सारा कुछ चेंज हुआ। पहले एक स्टडी कंप्लीट कर लें, एक अच्छी अप्लाई कर लें जॉब, अगर तो मिलती है ठीक देन अपना कोई स्टार्ट कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी हमें कहानियाँ मिलती रहती हैं जो कि हमारे लिए मोटिवेशनल होती हैं। आज भी मैं एक ऐसी ही कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली टाउन में। ये अगर आप ठोकर नियाज बे की तरफ से आते हैं यानी कि ओरिजिनल ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन है अली टाउन। यहाँ पे आप आगे सीधा आएंगे, यहाँ पे आएगा कराची सिल्वर स्पून होटल। उसके आगे जिस मोटिवेशन स्टोरी के लिए मैं आई हूँ, हसन नवाज बी एन मटका दाल चावल, जैसा कि मेरे कैमरा मैन आपको पीछे इसका बोर्ड दिखा भी सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है मिट्टी दी खुशबू पंजाब का देसी तड़का। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने MBA किया हुआ है और MBA की डिग्री हासिल करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना ये ढाबा लगाना पड़ गया दाल चावल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी मैं भी बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कब किया MBA? 2019 में किया था मैंने, उसके बाद मार्केटिंग जॉब करता रहा यानी HR में भी किया जॉब, तो 3 साल जॉब करता रहा लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो ही रहा यानी कि उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करता रहा हूँ, बस अप्लाई करता रहा, उसके बाद रिस्पांस कोई भी कहीं से भी नहीं आया। कैसा रिस्पांस मिलता था आखिर? MBA एक छोटी डिग्री नहीं होती, आप मैटर करती है आपकी सैलरी, आपकी जो आपको सैलरी मिलती है वो मैटर करती है कि आपको कितने पैकेज दे रहे हैं आपका। अगर जहाँ इंटरव्यूज होता था 1 घंटे का इंटरव्यू है देन जनाब आपको 45,000 यानी 45,000 यानी आपको पे कर रहे हैं आप इतनी कॉस्टली डिग्री पे करके, तो देन आपको जनाब 40-45,000 की सैलरी मिल रही है, तो कोई इतना अच्छा खास नहीं है यानी कि। फिर मैंने जनाब ये तकरीबन आज से 5 माह पहले मैंने ये जॉब से रिज़ाइन करके देन अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा। आपने कैसे सोचा कि मुझे ये BN जो है मटका दाल चावल इसको ओपन करना चाहिए, एक छोटा सा बिज़नेस करना चाहिए, ख्याल कैसे आया? ये एक ख्याल ऐसे आया कि यानी वैसे घुसते हुए रोड में माइंड में आ गया कि कुछ ना डिफरेंट करेंगे, वो तो मैंने वैसे एक रेडी वाले को देखा दाल चावल का, मैं कहा यही करना है काम, क्योंकि एक तो ईजी है सबसे यानी कि एक रेसिपी भी इसकी ईजी है बनाने में, बकाया आपको टेस्ट तो आपको खुद बनाना पड़ता है यानी कि, लेकिन उस पर वर्किंग मैंने पूरी मुकम्मल वर्किंग करके देन मैंने स्टार्ट किया यानी कि मुझे लगा कि इजी, और भी माइंड में आया होटल भी आया बिरयानी वगैरह कुछ भी है लेकिन दाल चावल इस बेस्ट है। ये बताएं कि लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे, जैसा कि वो तो हम देख ही चुके हैं रश कितना ज़्यादा है और जायका भी बहुत अच्छा है, आप मुझे बताएं कि लोगों की कितनी डिमांड होती है, वो पसंद करते हैं आपको सपोर्ट भी करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो फर्स्ट डे तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है यानी कि मटका यानी कि मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ तैयार होता है और सर भी मिट्टी के बर्तनों में हम देते हैं यानी कि, तो फर्स्ट डे से यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने यानी कि आपको सुबह मॉर्निंग का टाइम दिया था यानी कि 5 बजे फ्री हो जाता है, सोल्ड आउट हो जाता सारा खत्म। अगर ऑफिस में था तो ऑफिस में 9 to 5 थी और ये उससे 2 घंटे और कम हो गए यानी कि 11 to 5 यानी कि 4-5 घंटों में यानी कि मैं आता हूँ और सेल आउट करके जनाब देन घर चला जाता। मतलब इसी जगह पे आपने शुरू से किया हुआ है? हाँ जी इसी जगह पे, यहीं पे यानी कि स्टार्ट किया था, इसी जगह पे स्टार्ट किया था। बनाते हैं आप खुद? हाँ खुद ही बनाते हैं, मी एंड माई सोलमेट जनाब दोनों मिल के सुबह बनाते हैं, तो देन फिर यहाँ पे ले जाते हैं और बेचे चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है कि पाकिस्तान में डिग्री की वैल्यू नहीं है, डिग्री याफ्ता लोग जो हैं वो मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्या वजह आपको क्या लगता है? बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट यानी कि डिग्रियाँ ले जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, स्टडी करी जा रहा है लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब जॉब्स के लिए जाते हो आप है नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जो है मैशियत वैसे तबाह हो चुकी है। गवर्नमेंट से अभी खुद यानी हमारे जनाब जो बड़े 2 फैमिलीज़ की लड़ाई चल रही है आपस में, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और पीस हम लोग रहे हैं यानी कि, फिर इसी वजह से हमें मजबूरन जनाब ऑफिस की सीट छोड़ के देन ये इस तरह के जनाब रोड के शोर में आपके बैठना चाहता पड़ता है। इससे मुझे अलग मुझे ये था कि नेगेटिव पॉइंट काफ़ी आएंगे, कमेंट्स आएंगे कि यार ये क्या इतना पढ़ा लिखा, लेकिन अप्रिशिएट ही किया सबने कि यार एक मतलब नेगेटिव नहीं ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। हाँ मैंने ये सोचा हुआ था कि यानी नेगेटिव ही मोस्टली ज़्यादा मिलेंगे लेकिन मेरे प्रोफेसर जो टीचर्स वगैरह थे मुझे फैमिली की सपोर्ट थी काफ़ी, उनके बेटे अच्छे हैं यानी कि कर रहे हो यानी कि कुछ बेटर है ना यानी कि सैलरी से आप जॉब जो करते हो 9 to 5 और घर आके फिर भी आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना रहता है जॉब का कि यार कहीं निकाल ना दें कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो जब ये स्टार्ट किया तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक सैलरी जो थी वो तो समझ ही नहीं आती थी कहाँ जा रही, लेकिन इससे अच्छा यानी सर्वाइव एक किचन का निज़ाम जो है ना अच्छा चलना शुरू हो गया। फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको? फैमिली में सारे सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि ईच एंड एवरीथिंग यानी कि मामा पापा वाइफ सारे यानी कि भाई ब्रदर जितने भी हैं छोटे भाई हैं सारे तो करते हैं सपोर्ट यानी कि, वो उन्होंने पहले तो फर्स्ट कहा था कि यानी कि एक AC की जो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो समर था, समर चल रहा था तो बहुत गर्मी थी यानी कि कहते यार किस तरह यानी कि AC से निकल के बाहर यानी कि रोड पर आ जाओगे, तो मैं क्या करूँगा एक बार मुझे स्टार्ट करने, तो एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने दोस्तों के भी यानी सारे मुझे यही कहते हैं कि यार हमने भी ये स्टार्ट करना है लेकिन करें स्टार्ट ज़रूर, लेकिन पहले एक स्टडी कंप्लीट कर लें, एक अच्छी अप्लाई कर लें जॉब, अगर तो मिलती है ठीक देन अपना कोई स्टार्ट कर लो, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर लोगे तो बेटर है। मैंने 3 साल ज़ाया कर दिए अपने ऑफिस में यानी कि। आपने नाम क्या सोच के रखा है इसका? BN मटका। BN मटका ये तो एक नाम है
माई डॉक्टर जो है उनका बख्तावर नवाज, तो उनके नाम से यानी वो, क्योंकि गेम चेंजर है जब से वो आई है, यानी कि उसके बाद ये सारा कुछ चेंज हुआ। उसके बाद यानी कि पहले यही होता था, सी वीज ड्रॉप कर रहा हूँ, छुट्टी वाले दिन जनाब हर ऑफिस में जा रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल ये भी है कि हमने सुना है आप सिंगर हैं, बल्कि हैं आप, इस बारे में थोड़ी डिटेल्स बताएं। ये यानी कि 2013 में मैंने इंडिया सारे काम पाकर पार्टिसिपेट किया था, देन मैंने यानी कि म्यूजिक एल्बम करा अपना, तो वो इंडिया से रिलीज़ होना था। अनफॉर्चुनेटली वो अभिनंदन साहब जो आए थे हमारे पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट वैसे ही बैन हो गया, यानी कि तो एल्बम मेरा सारा यानी कि तैयार पड़ा वहीं के वहीं, क्योंकि मैं साइन हो चुका था एक कंपनी के साथ 5 साल के लिए, वो अब 5 साल मेरे कंप्लीट होने हैं 2023 में, तो देन जाके वो एल्बम रिलीज होगा। तो अभी तो वेट ही हो रहा है, यानी कि जैसे भी आई, यानी कि प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह लाइव करता रहा, लेकिन अभी 1 साल हो गया यानी कवर के बाद, बल्कि मैंने कुछ भी नहीं किया कवर से पहले, लाइव कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में करता रहा हूँ, यानी वेडिंग शोज करता रहा हूँ, तो उसके बाद बस स्टिल अभी अपना सिर्फ फोकस पूरा जो है अपने बिजनेस पे ही है। वो तो आपका फोकस है। अच्छा, आप हमें क्या सुना रहे हैं, हम भी आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं कोई भी सॉन्ग। दिल है के मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपका आगे का क्या प्लान है इससे आगे? आगे का प्लान यही है कि इंशाल्लाह वेरी सून के नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारी, यानी कि वो उस पर काम हो रहा है, यानी कि वो तैयार कर रहे हैं इस तरह, यानी कि अगर आप ये देख लें, आप स्टूडेंट्स के लिए खास मैसेज है कि यानी कि अगर मैंने 4 मंथ पहले स्टार्ट किया है तो मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, यानी कि अगर जॉब में होता है, जॉब में यही होता है आपका प्लेजर लगना है जून जुलाई में जाके, जून जुलाई का वेट हो रहा था, देन एंड ऑफ द मंथ जनाब आपके कोई बॉसेस की कोई ऐसे पर्सनल कोई इशू बनते हैं, वो ना आपको प्रमोट करता है ना आपकी सैलरी इतनी इंक्रीज़ करता है। तो स्टूडेंट को यही है कि यार स्टडी कर लो एक बार, मेरे पास अगर कल खुदा ना खासा ये बंद हो जाए, फ्लॉप हो जाए, कुछ भी हो जाता है यानी, लेकिन मेरे पास डिग्री है, लेकिन मैं फिर भी यानी कि कुछ घर के किचन के लिए मैं इतना अप्लाई कर सकता हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये मैं इजीली कमा सकूँगा, लेकिन ये है कि आप मेहनत करो, स्टडी करो, उसके बाद अगर बिज़नेस करना है तो स्टार्ट से और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाएं, ज़्यादा के चक्रों में ना, पर मैं भी यही माइंड में सोचता था कि 1.2 मिलियन या 2 मिलियन हो मेरे पास, देन मैं अपना कोई बड़ा सा बिज़नेस करूँ, आराम से चेयर पर बैठूँ, उसके बाद आपके जब खुदा ना खासा लॉस हो जाए तो आप वैसे ही डिप्रेशन में जाओगे और परेशान हो जाओगे, दोबारा नेक्स्ट टाइम आप स्टेप नहीं ले सकते बिज़नेस के लिए। छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाओ, मैंने भी यही यानी कि 1.5 लाख रुपये लगा था मेरा, अब स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है यानी फर्स्ट मंथ में ये रिकवर हो गया था। तो आप कोशिश यही करें कि आप पहले तो स्टडी कर लें अच्छी तरह, देन अपना बिजनेस स्टार्ट। आपने आगे कुछ सोचा हुआ है और स्टडी के बारे में? स्टडी मैं आगे इंशाल्लाह ला कर रहा हूँ, तो लोग क्यों करना है आपने? तो वो ला बस यहाँ पे तंग करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। कौन तंग कर रहा है आपको? बहुत ज्यादा है, काफी पहले 3 साल का था ला, तो अब 5 साल कर दिया, लेकिन 5 साल बाद डिग्री कम्प्लीट इंशाल्लाह हो ही जाएगी। आप लॉयर बन जाएंगे तब भी आप इसी तरह से? फिर हम फिर भी काला कोट पहन के बैठूंगा, देन यानी कि ज्यादा मजा आएगा काला कोट पहन के भाई, ऐसे ही ऐसे, व्हाई नॉट। तो बस दुआ कीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। Thank you so much. Thank you so much.